बादल जी के काम के बारे में तो मैंने काफी विस्तार से चर्चा छुपी भी नहीं हुई, हमारे कुछ और साथी भी आगे आएंगे तो उसके अंदर कोई ये नहीं है, हमें चुनाव जो करना है बिल्कुल ठीक आदमी का करना है। इसके अंदर मैं नहीं समझता किसी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स को देखा जाए, ये फलानी पार्टी से एक लहर चल पड़ती है भेड़ चाल के रूप में, इस बेकावे में मत आना। जेनुअली एक लहर चलेगी वो है मदन पुराना। हाँ बस चलो लहर हो, काम की लहर चले, काम की लहर चले। इस आदमी ने निष्पक्षता से काफी जगह के अंदर, अगर मार्केट के अंदर हमारे कई दफा मैं देखा करता था लड़ाई झगड़े भी हो जाया करते थे आगे, ये बेचारे रात को 12-1 बजे भी आकर फैसला करा कर गया, किसी का पक्षपात नहीं किया, पक्ष नहीं लिया किसी पर, एक पार्टी का जिसने बुलाया उसको भी गलत ठहरा कर गए हैं, थाने चौकी तक गए हैं, मार्केट के अंदर कई बार पार्किंग की समस्याओं के कारण लड़ाइयां होती है। तो मैंने बड़ा इनसे देखा, काम करने का तरीका देखा और कितनी सहनशीलता के साथ इन्होंने कई मसले सुलझाए हैं, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस मन से आगे के लिए मैं हमारे गुरुजी जिन्होंने रानीबंग व्यापार मंडल की शुरुआत, इन्होंने भसीन साहब ने चावला जी ने मिलकर एक नींव रखी थी इस बाजार के अंदर, शुरुआत बाबूराम गुप्ता जी की टीम ने मिलकर करा था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे के ना, मैं हमारे भसीन साहब भी थे बीच में, निरंजन सिंह चावला जी बाबूराम जी ने मिलकर ये सजाया था मार्केट। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये कुछ शब्द मदन जी के लिए या मार्केट के भले के लिए, समस्याएं तो खैर आप हल कर रही है, उसके लिए मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, बाबूराम जी से निवेदन करूंगा वो कुछ कृपा।